राज ट्रांसपोर्ट के अंडर में होगी अगर प्राइवेट बस भी, हाँ, तो यहीं से चलेगी जी। और प्राइवेट खाली प्राइवेट चली होगी तो बगल वाले स्टैंड से चलेगी। और मेन जो मुद्दा है आज वो मुद्दा है कि मुंगेर स्टैंड से हम लोग खगड़िया का जो बस वगैरह सब जो ऑटो वगैरह सब यहाँ से खुलती जो है उसका ऐसा है ना, तो खगड़िया का बस चल रही है या बेगूसराय से बस आती है यहाँ। हाँ, ब्यूटीफुल पीपल की हालचाल, सत श्री अकाल, कैसे आप लोग, होप करते हैं गाइस कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खाते पीते होंगे। सो गाइस फिर से हम लोग आ चुके हैं मुंगेर गंगा ब्रिज अप्रोच रोड का एक जानकारी लेने के लिए। सो गाइस अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो रास्ता दिख रहा होगा इस साइड, तो भाई एक साइड चला जाता है गोला होते हुए आप पटना की रूट चले जाइएगा उधर से, और ये जो हुआ ये मुंगेर मार्केट है उधर जाने के लिए। और मेन जो मुद्दा है आज वो मुद्दा है कि मुंगेर स्टैंड से हम लोग खगड़िया का जो बस वगैरह सब जो ऑटो वगैरह सब यहाँ से खुलती जो है उसका हम लोग टाइमिंग देखेंगे और पूछेंगे जाके कि क्या टाइमिंग है और कैसे कैसे यहाँ से हम लोग बाइक से भी अप्रोच रोड लाल दरवाजा होते हुए हम लोग जा सकते हैं गंगा ब्रिज के ऊपर। अभी आप देख पा रहे होंगे कि आप लोगों को एक बार सही से यहाँ दिखा दें उसके बाद आप लोग को हम बताते हैं। गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उधर जो ऑटो लगी हुई है जिसमें सामान लगा वो नवागढ़ी इधर जमालपुर इधर, फिर ये दो को जो ऑटो है ये दोनों खगड़िया की ओर जाएगी, और इधर आप जो देख पा रहे हैं ये फरदा और उस साइड जो टेम्पो देख रहे हैं ये मेदनी चौकी, मतलब मुंगेर से चारों दिशा के लिए यहाँ से बस ऑटो वगैरह सब खुलती है। और बता दें एक लाइनिंग जो है आप उधर देख पा रहे हैं उधर जो है वो भागलपुर की ओर जाया जाता है। देख पा भाड़ा कितना ले रहे हैं, 30 रुपया। सो गाइस अभी आप देखें कि अभी हम आप लोग को दिखाए कि यहाँ पे ये जो लाइन देख पा रहे हैं ये और ये लाइन, ये दोनों आप लोगों को खगड़िया बेगूसराय बलिया वगैरह सब जो उस पर जाने का है यहाँ से ऑटो आप लोग देख पा रहे होंगे कि खुल रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मुंगेर से भी मुंगेर बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड से भी जो ऑटो है वो खुलना स्टार्ट हो चुका है गाइस। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर और आगे बस स्टैंड है वहाँ पर चल के भी दिखाते हैं कि क्या क्या मतलब भाड़ा है बस का और ऑटो का। गाइस तो अभी हम आप लोग को बता दिए कि खगड़िया तक का 30 रुपया लिया जाता है और बलिया का जो है वो आप लोग को यहाँ रेट देखने को मिल जाएगा। सो अभी हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितना अभी लिया जा रहा है बस स्टैंड से। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम लोग एक नंबर ट्रैफिक के पास हैं और यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेके बस स्टैंड है, बस थोड़ा दूर पे ही बस सटा हुआ, तो वहाँ पे हम लोग बस स्टैंड में भी पूछेंगे बस चलती है या नहीं। सो गाइस देख पा रहे होंगे कि बस थोड़े ही दूर में आप लोगों को यहाँ पे बस स्टैंड भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ढेर सारा बस लगी हुई है, यहाँ देख पा रहे होंगे कि मुंगेर से तारापुर भाया खड़गपुर वगैरह सब जो है इधर से देखने को मिल जाएगा। और आगे देखते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ का बस यहाँ से खुलती है। और गाइस बता दें कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सामने जो बस है ये देख पा रहे होंगे सूजगढ़ा लखीसराय बरहिया, मतलब मुंगेर से बरहिया लखीसराय सूजगढ़ा वगैरह सब, और इधर भी देख पा रहे होंगे ये पटना जाने की बस आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। और गाइस उधर से उधर को भी, मतलब यहाँ से आप लोग पटना वगैरह सब और सूजगढ़ा, मतलब पटना रूट और भागल रूट का यहाँ से राज ट्रांसपोर्ट के अंडर में होगी अगर प्राइवेट बस भी, हाँ, तो यहाँ से चलेगी जी। और प्राइवेट खाली प्राइवेट चली होगी तो बगल वाले स्टैंड से चलेगी। ओ अच्छा, ऐसा है ना, हाँ। तो खगड़िया का बस चल रही है या बेगूसराय से बस आती है यहाँ? हाँ, नहीं खगड़िया का इधर का नहीं है ना, खगड़िया होके बेगूसराय जाती है ना? अच्छा, खगड़िया होते हुए, हाँ, खगड़िया होके बेगूसराय जाती है। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस यहाँ से बस खुलती है क्या? कहाँ से? खगड़िया से, खगड़िया के यहाँ उस बस स्टैंड से। धन्यवाद। यहाँ पे दो स्टैंड है, एक सरकारी स्टैंड है और एक प्राइवेट बस स्टैंड है। तो अभी हम लोग प्राइवेट बस स्टैंड आ चुके हैं और यहाँ पता करते हैं कि खगड़िया और बेगूसराय का जो गाड़ी है वो खुलती है कि नहीं। देख पा रहे होंगे यहाँ बस खुल रहा है क्या? खगड़िया, हाँ, खगड़िया का बस खुलती है और इधर से कि नहीं? बड़ा गाड़ी नहीं जा रहा अभी, छोटा गाड़ी जा रहा है। छोटा गाड़ी, लेकिन कुछ पब्लिक बोल रहा है कि बस चल रही है उधर। छोटा गाड़ी जिसे हुआ जिसमें चरियल नहीं लगा है वो पार होता है। अच्छा, तो ये बस स्टैंड से खुलती है या उधर? यहीं खुलता है, वो स्टैंड से खुलता है।
ठीक है, मतलब खगड़िया और बेगूसराय दोनों का खुलती है यहाँ से ना। ठीक है, तो गाइस अभी हम आप लोग को बताएं कि यहाँ से ऑटो भी खुलती है बस स्टैंड से, और बस स्टैंड से यहाँ से ऑटो भी खुलती है, चार चक्का जो आता है मैजिक वो भी खुलती है, और सुबह 7 से लेकर 8 के बीच में जो छोटा वाला जो बस आता है जिसमें कैरियर नहीं लगा हुआ है वो बस भी खुलती है यहाँ से सुबह 7 से 8 के बीच में, इतना कंफर्म है। और मुंगेर स्टैंड से जो खगड़िया का है भाड़ा वो 30 रुपया लिया जाता है। और गाइस बता दें कि देख पा रहेंगे आप लोगों को उधर बताए कि कैसे कैसे जाना है, हम लोगों को डायरेक्ट यहां से निकलना है 1 नंबर ट्रैफिक से लेते हुए, और मुंगेर जो अस्पताल है मेन अस्पताल वही रूट से हम लोग मछली तला होते हुए आगे की ओर निकलेंगे। देख पा रहेंगे सीधे ही निकलना है भाई, उधराना नहीं है, डायरेक्ट सीधा ही रास्ता है। आप लोग बस स्टैंड से डायरेक्ट 1 नंबर ट्रैफिक, किसी भी बंदा से अगर आप लोग नए हैं तो आप किसी भी बंदा से यहाँ पूछ लीजिएगा कि भाई अस्पताल का जो रोड है वो किधर से जाने का है, बस आप लोग डायरेक्ट सीधे ही उत्तर की ओर, डायरेक्ट से उत्तर की ओर सीधे चल जाना है। देख पा रहे यहाँ पे जो गाड़ी वगैरह सब है फोर व्हीलर सब, उसका सर्विस वगैरह सब भी किया जाता है। यहाँ पे ये हो गया जिला स्कूल, और जिला स्कूल के जस्ट बगल से ही देख पा रहे ये अस्पताल चालू हो गया, तो बस यही रूट को हम लोगों को पकड़े रहना है। जो भी ऑटो से आए हैं या खुदा ने खास्ते अगर पैदल भी अगर जाना चाहते हैं तो शॉर्टकट रास्ता जो है लाल दरवाजा होते हुए यही है, हालांकि किला हो के भी है तो आप लोगों को वो चीज़ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देख पा रहे ये सदर अस्पताल हो गया इधर और इधर भी, और अब बस डायरेक्ट हम लोगों को आगे की ओर निकल जाना है। देख पा रहे हो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दो रास्ता, देख पा रहे होंगे अभी हम लोग इस रास्ता से होके आए हैं, और ये ही रास्ता है जो कि मार्केट की ओर लेके चला जाता है, जो अस्पताल है उसके पीछे से एक रास्ता है वो आप निकल जाइएगा शीतला मंदिर के पास। सो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा ये मछली तला है, आप लोग ओझराई ने आप लोगों को जो पिक पॉइंट है मतलब जो लैंडमार्क है वो भी आप लोगों को बताते हुए चलते हैं। देख पा रहे होंगे ये रहा मछली तलाव, इसका भी ब्लॉग गाइस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, आ जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग। देख पा रहे होंगे ये मछली तलाव है, डायरेक्ट सीधे हम लोगों को आना है होंगे गाइस, इस पॉइंट पे आके आप लोग कन्फ्यूज ना हो, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट है जिसे माना जाता है। देख पा रहे होंगे सो गाइस अभी हम आप लोग को थोड़ा सा क्लियर कर दें कि अभी जो हम लोग आए मतलब स्टैंड से होते हुए मछली तला होते हुए इस साइड से हम लोग आए हैं, देख पा रहे ये रहा, और ऐसे सीधे जाने के बाद आप लोग जहाज़ घाट चले जाइएगा, देख पा रहे, और अगर इधर से आते हैं तो अगर हम लोग उस पर खगड़िया की ओर चलेंगे तो डायरेक्ट हम लोग को राइट लेते हुए इधर को मुड़ जाना है, लेफ्ट राइट लेके लेफ्ट लेना है हम लोगों को, राइट लेके राइट नहीं जाना है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये जो आप पुल देख रहे हैं पुल का उस पर हम लोगों को जाना नहीं है, बस पुल के साइड से ही लेफ्ट लेके हम लोग इधर चले जाएंगे। देख पा रहे लाल दरवाजा यहाँ पे ये पुलिस चौकी है, बस यहीं से लाल दरवाजा देख पा रहे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उधर को हो गया है, तो उधर हम लोग को नहीं जाना है, बस ये छोटा वाला जो रोड देख रहे हैं इधर से हम लोगों को पुल के नीचे से ही लेके चल जाना है। तो चलिए आप लोगों को मिलते हैं आगे, अब हम लोग चलते हैं। और गाइस एक चीज़ इम्पोर्टेंट और बात है कि देख पा रहे कि हम लोग उधर नहीं जाके डायरेक्ट पुल के जो नीचे है नीचे से हम लोग निकलेंगे, देख पा रहे बहुत बाइक सब वगैरह सब भी आ रहा है देख पा रहे, तो इधर से ही हम लोग चलते जाएंगे आगे, देख पा रहे होंगे तो पुल के नीचे से ही मतलब पुल के रास्ता से ही होते हुए चलना है। देख पा रहे यहाँ पे दरवाज़ा भी दिया गया है, हम लोग आप लोगों को थोड़ा सा लोकल भाषा में भी हम बता रहे हैं कि ताकि आप लोग खोए ना, कोई भी तरह का दिक्कत ना हो जर्नी में, जब आप लोग इधर आए खगड़िया से मुंगेर आए या मुंगेर से खगड़िया जाए तो आप लोगों को कोई भी तरह का दिक्कत नहीं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोगों को दी जाएगा पिलर नंबर 52, देख पा रहे होंगे पिलर नंबर 52, यहाँ से हम लोग राइट ले लेना है, देख पा रहे होंगे यहाँ से राइट लेते हुए इधर से हम लोग चलेंगे आगे, उस पार से कमांडो यहाँ पे आके आ चुकी है, देख रहे होंगे यहाँ से कमांडो आई हुए है, और देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा भाई भर भर के लाया गया है
मतलब जितना कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा आदमी को बैठा लिया जाता है कमांडो पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब जर्नी आप लोग स्टार्ट करें खगड़िया से मुंगेर आने का या मुंगेर से खगड़िया जाने का, तो उसमें आप लोग ध्यान रखें कि जितना सीट है गाइस उतना ही आप लोग बैठे, उससे ज़्यादा मत बैठे, क्योंकि सुरक्षा के अगर माध्यम से देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए ओवरलोड गाड़ी पे आप लोग ना बैठे तो बेहतर होगा। और गाइस देख पा रहे हो इधर जो ऑटो गई है इधर से भी एक रास्ता है, आप डायरेक्ट इधर ITC रोड में जाके मिलिएगा। इधर ऑटो अभी निकली है, डायरेक्ट ITC रोड में आप चले जाइएगा और जिस साइड से हम लोग आए हैं वो आप मुंगेर स्टेन किला के पास आप लोग जाके मिलिएगा। चल पाएगा तो जिस कारण से अभी उधर से देख पा रहे होंगे गैस यही बाईपास निकाला गया है और देख रहे होंगे यहाँ कितना ज़्यादा अभी काम होने के लिए बचा हुआ है। देख पा रहे होंगे यहाँ से ही बाईपास निकाला गया। सो आज से अब हम लोग रेगुलर जो मुंगेर गंगा ब्रिज का जो अपडेट है आप लोगों को पर डे आप लोगों को हर एक रूट मुंगेर से किधर किधर से हम लोग जा सकते हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। आज देख पा रहे होंगे यही बाईपास है इधर से आप देख पा रहे होंगे अभी हम इसी बाईपास से होते हुए आए हैं मुंगेर गंगा ब्रिज के ऊपर। देख पा रहे होंगे यही है बाईपास, देख पा रहे होंगे इधर से बहुत वाहन अभी आ रही है जा रही है, देख पा रहे होंगे इधर से। और रही बात उस रोड के बारे में जो अभी ऑटो जो जस्ट अभी गई तो वो चीज़ भी आप लोगों को हम बता दें। देख पा रहे होंगे हम लोग आए इधर से जो वहाँ पुल के नीचे से लाल दरवाज़ा से होते हुए हम लोग बाईपास से ऐसे निकले। और रही बात ये रूट का तो ये रूट भी आप लाल दरवाज़ा रूट जो है ITC रोड उसमें जाके मिल सकते हैं। अगर आप पूरब सराय निकलना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऐसे भी निकल सकते हैं, आप वहाँ पे निकलिएगा डायरेक्ट सीताकुंड जो मोड़ है अंडरपास वहाँ पे भी आप निकल सकते हैं, वहाँ पे भी बाईपास निकाला गया है। और एक बाईपास ये है उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा और इसमें जो है पूरा सराय जाने के लिए सबसे बेहतर रूट ये रहा। सो होप करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, अगर जानकारी अच्छा लगे तो आप भी वीडियो देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, अपने परिवारों को दिखाएं, रिलेशन में भी दिखाएं, सारे जगह इस वीडियो को फैला दें ताकि जितना भी आपका फैमिली मेम्बर है आप लोगों को दिक्कत ना हो बाईपास से मुंगेर बस स्टैंड ट्रैफिक नंबर 1 पे जाने के लिए। सो होप करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो प्यारा सा एक लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। और गाइस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे ऐसा एक मस्त वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।